शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूँगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक है हमारे। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। क्या लगा रखा है योगी जी है? अब यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि योगी जी है तो बहुत सख्त, बट यहाँ आप पिघल गए। अरे कैसा नहीं पिघला, साफ चेहरे पर दिख रहा है खुशी। पता नहीं कहा जादू कर रखा है। और ये इंडस्ट्री फिल्म वालों को आप कहा एम्बेसिडर बना रहे हो? कहा एम्बेसिडर बना रहे हो इन फिल्मों वालों को? अब वो सोनू सूद को केजरीवाल ने एम्बेसिडर बनाया, ऊपर रेड गिर गई। अब कंगना को भी आपने एम्बेसिडर बनाया है तो ऊपर भी रेड गिरेगी क्या? नहीं, हम वो रेड की बात नहीं कर रहे हैं। चमेली लॉज में जो ये जो लुंगे उठा के जो भागते हैं आधी आधी रात को, और जो पुलिस जो दंडे मारती है कूल्हे पे, वो रेड की बात नहीं कर रहे हैं। इनकम टैक्स रेड की बात कर रहे हैं। और एम्बेसिडर बनाना ही है तो ये का हमारा एक छोटा सा गाँव है भोसरी, वो का एम्बेसिडर बना दो। फखर से कहेंगे कि फलाना तू कहाँ का एम्बेसिडर है, तो वो कहेगी कि हम सला भोसरे के एम्बेसिडर है। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले क्या। 1965 के दौर में जब हमारे देश भारत में अनाज की समस्या पैदा हुई थी, तो उस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की जनता से ये अपील की थी कि जहां भी संभव हो सके वहां धान और गेहूं की फसल उगाइए। यहां तक कि शास्त्री जी ने खुद प्रधानमंत्री आवास में खेती करना शुरू कर दिया था। 10 जनपद पर मौजूद प्रधानमंत्री आवास में शास्त्री जी द्वारा बोई गई गेहूं की फसल की कटाई करते हुए उनकी पत्नी ललिता शास्त्री को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये तस्वीर 1966 में शास्त्री जी के मौत के 3 महीने बाद की है। ये वो महान लोग थे जिन्होंने हमारे देश भारत को महान बनाया, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और आज किसान साल भर से ज्यादा का वक्त हो गया है अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सैकड़ों से ज्यादा किसानों की मौत हो गई और देश के राजा की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं कोई जाति मकान थोड़ी है। हिटलर को भी बहुत घमंड था, इंदिरा गांधी को भी बहुत घमंड था। वक्त बदलेगा। जय जवान जय किसान। यह है महात्मा गांधी जी, जिनको पूरी दुनिया मानती है और हम तो बिल्कुल मानते हैं इनको। इनकी जैसे ही बुर्ज खलीफा पे फोटो लगी तो नाथूराम गोडसे की जितनी नाजायज औलाद थी उनकी पोटी बंद हो गई। अच्छा, ये जो नस्ल जो पनपी है इंडिया के अंदर, जिसको बोलते हैं गंध, इंडिया की गंध है वो, बहुत ही घटिया किस्म की गंध है। उनको पैसे चाहिए गांधी जी वाले, इन्हीं के पैसे चाहिए जो इनकी फोटो लगी हुई है। हा? और ये अपनी मरवाने कहाँ जाते हैं? नाथूराम गोडसे के पास, ठीक है ना, उस नाथूराम गोडसे के पास जिन्होंने गांधी जी को मारा था, ठीक है ना। ऐसी नस्ल पे जो इंडिया में पनपी है उस पे लानत है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भागने वाले ही है। अल्लाह। इस पौधे को देख रहे हो? पहले तो मैंने सोचा किसी ने नींबू के स्लाइस काट के लगा दिए, और जब मैंने जाते गौर से देखा ना, आधा घंटा लग गया इसे समझने में, तब जाके समझ में आया कि ये तो जनसंख्या कंट्रोलर है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। फर्ज पहला है कि ये गोबर को चमन परास समझ बैठे हैं, और ये अंधभक्त हैं जनाब, जो शौचालय को देश का विकास समझ बैठे हैं। बजाओ ताली। अबे अंधभक्तों कैसे हो गए सालों देश के गद्दारों। सलाम वालेकुम दोस्तों, ये विनय दुबे हैं। इनके कोने में जो वो बाबा की फोटो नहीं लगी हुई है, बोले 2 अक्टूबर को या तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना, नहीं तो मैं जल समाधि लेके मर जाऊंगा। अच्छा, ये अभी पता है क्या चल रहा है वहां पे? ये गेट को लॉक करके बैठा हुआ है कि मेरे को एक जिहादी आया था मुसलमान चाकू लेके। ऐसे ढोंगी बहुत हैं, इनमें मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे शामिल हैं पॉलिटिक्स में भी, उनको अपनी मौत की सबसे पहले पड़ी हुई है, ठीक है ना। ये बड़ी दुख की बात है कि हिंदू धर्म की बेअदबी करवाने वाले तुम्हारे ही लोग हैं, ये तुम्हें पहचानना पड़ेगा, तुम्हारे ही लोग हैं। कोई पॉलिटिशियन बन के बैठा हुआ है उसकी आड़ में, कोई प्रधानमंत्री बैठा हुआ है उसकी आड़ में, हैं? ये सब तुम लोग गुमराह, सब लोग तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। निकालो इसको, बोलो जाओ, नदियां कितनी है, डूब के मरे ना भाई।
ठीक है ना, लेकिन नहीं, मौत सबको प्यारी है, शर्म की बात है, शर्म की बात। अच्छा, हमारे दुग्गल साहब और फंटा जी की सनक ने 25 करोड़ मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में 100 करोड़ हिंदुओं की नटबोल ढीले कर दिए। वाह रे सनक, भक्तो गाड़ जल्दी है ना, बर्नोल लगा लो, पेट्रोल मत लगाना, बहुत महंगा है। जो आजकल जो लड़कियां जो है वो कहती है कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सब झूठ कहती है साले। आजकल दिलवाले नहीं, सरकारी नौकरी वाले और पैसे वाले दुल्हनिया ले जाते हैं। जीवन साथी का ऐसा चुनती हैं ये लड़कियां जो अमीर हो, और गरीब तो साला हम आई हैं। इसका खातिर हम डिसाइड किया हूँ कि साला हम ना खुद शादी करेंगे और ना अपने बच्चों की शादी होने देंगे, देख लेना। आप जरा आप तो उधर घूम गए, हम थोड़ा उधर घूमते हैं। नमस्कार। नमस्ते। देश के सभी गांवों में आवासों की ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव की एक एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी।